इलेक्शन को लेकर क्या बताना चाहेंगे? बहुत ही ज़्यादा हंगामा हुआ एक्चुअली. राकेश का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली जहाँ से बिलोंग, राकेश का जो कैरेक्टर जहाँ से बिलोंग, सोच थोड़ी थोड़ी बैकवर्ड होती है, दे नॉट अर्बन पीपल. तो बस राकेश का ये है कि भाई मैं किसी और के बच्चे का भाग क्यों, परी से प्यार करता है पर परी के बेटे जो बच्चा है उसे पता है कि उसका ही किसी और का. बस राकेश का ये है कि भाई कि यहाँ पर शादी होगी, यहाँ से सीधा परी अपने मेरे घर नहीं आएगी, यहाँ से पहले जाएगी हॉस्पिटल, मैं उसका वॉशअप करूँ, उसके बाद जब क्लीन हो जाएगी उसके बाद फिर राकेश के पास आएगी. सर राकेश की थोड़ी सोच ऐसी है और गुस्सा भी है कि भाई यार जिससे मैं प्यार करता हूँ उसी और के बच्चे की मामले के बैठे. तो यही बॉक्स ना. थैंक यू. So, जिस तरीके से शादी में ड्रामा हुआ है, कैसे बताना चाहेंगे? राकेश भी ड्रामा कर रहा है और साथ ही साथ घर वाले भी देखते रह रहे हैं. एक्चुअली क्या है कि राकेश की सालों से एक ही जिद है, सो परी चाहिए किसी भी हाल में. आई थिंक दिस इज द फिफ्थ टाइम आई एम ट्राइंग टू गेट मैरिड विद परी एंड बट यही कि कुछ ना कुछ उसमें हर्डल्स आ रहे हैं. इस बार राकेश प्लान बना रहे कि कुछ भी हो जाए, इस बार तो परी को लेकर जा रहे हैं. तो पूरी एक नाइट की सीक्वेंस थी जिसमें इतना आई थिंक एक महीने से चल रहा है, जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए. राजीव ने बहुत कोशिश की बचाने की और फाइनली वो अभी मंडल तक पहुँच चुका है. और ऑडियंस के लिए सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि क्या वो शादी रुकवा पाएगा या फिर राकेश शादी हो जाए. देखा ये भी जा रहा है कि राकेश बहुत ही ज़्यादा परी को परेशान कर रहे हैं और परी भी दांत काट लेती है तो राकेश जान निकाल लेते हैं. कैसे बताना चाहेंगे झूमर भाई कि संजू बार बार पहुँचना है तो उसका दिमाग खराब होता है और वो मतलब वो परी को बहुत कन्विंस करता है शादी में. परी फाइनली मानती ही नहीं और जब मैं परी को लेकर जा रहा हूँ तो परी मुझे वाइट कर लेती है. अब राकेश को आ जाता है गुस्सा कि यार भाई तुम मेरी नहीं हुई तो फिर मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूँगा एंड गोली चलाता है. और अभी देखिए आगे क्या होगा. इमोशन को लेकर भी बवाल हुआ, उसको लेकर क्या जाना है? हाँ इमोशन को लेकर फिर राकेश थोड़ा क्या है कि हम जिस स्टेट से बिलोंग करता है वहाँ के लोगों की मतलब सोच वैसी होती है, जो थोड़ा बैकवर्ड माइंड के होते हैं कि भाई किसी और के बच्चे का बाप मैं क्यों हूँ. शादी से पहले कुछ बड़ी इमोशन होता है किसी भी. तो बस उसका ये है कि यहाँ पर शादी उसका ड्रीम मतलब उसका करना वो चाहता है कि यहाँ पर.